तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। स्पेसिफिकली आज हम पेट्रोलियम सेक्टर को यानी ईएनपी सेक्टर को और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, रिफाइनरीज को लाइमलाइट में लेंगे और तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इनके क्या चैलेंजेस हैं, क्या इम्पैक्ट हैं, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। मोहम्मद वसी खान साहब, आप डायरेक्टर हैं बायको पेट्रोलियम के और पेट्रोलियम एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर सर। ओवरऑल आपने मार्केट की सिचुएशन देखी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिकली मुझे बता दिएगा आज की मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आए हैं, आप कैसे देख रहे हैं? ऑब्वियसली अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले वो ये कि जो भी आपने बयान किया था कि क्राउन प्रिंस के आने के बाद अब उसका असर नज़र आना शुरू हो रहा है, तो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी की जो बुनियाद है वो तो उनका वो विज़िट है जो करके गए, और उससे ज़्यादा ये कि जो वो उन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए, पर्टिकुलरली इन दी एनर्जी सेक्टर, उन सब का असर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होगा। और आज पहला दिन है चीज़ को असर को लेने में, मेरे ख्याल में और बेहतरी आती चली जाएगी इसके अंदर, हर सेक्टर में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि $20 बिलियन की एक अच्छे MOU साइन हुए हैं और ये फर्स्ट फेज है, उसके बाद भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान ऑयल इंडस्ट्री को। वसी साहब, आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल, अगर आप इसको डिस्क्रिप्टिवली बताएं क्या आपको आउटकम दिखाई दे रहा है इसका? आप ये देखिए कि पहले तो आपके मुल्क की डिमांड इस वक्त 25 मिलियन टन है पर ईयर, और जो आउटलुक है वो इन 2030 पर्टिकुलरली विद सी पैक, क्योंकि सी पैक की वजह से ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। इस वक्त तो दो प्रोडक्ट्स, मोटर गैसोलीन ख़ास तौर पे जिसको लेते हैं और डीजल, इनमें ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 10% है, विच इज़ फिनोमिनल, बहुत ज़्यादा है, इतनी ग्रोथ पहले कभी नहीं देखी गई। तो ये सब अगर आप सामने रखें तो 2030 में हम 50 to 55 मिलियन टन्स को इंशाल्लाह हिट करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिव आउटलुक है जो कंट्री जिसकी तरफ जा रही। दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ ही एक चीज़ जो इस मुल्क में आ रही है वो ये कि फ्यूल मिक्स चेंज हो रहा है। फ्यूल मिक्स चेंज होने की वजह से आपकी पूरी ऑयल की डायनेमिक्स चेंज हो रही है, और शायद आपको डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री को बहुत हद तक बदलना पड़ेगा। यानी फर्नेस ऑयल जो पहले वेरी हाई इन डिमांड होता था और पावर आप जनरेट ही उससे करते थे मोस्टली, वो अब फेड आउट हो रहा है, और वो 2020 ऑयल एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं होता, दिस इज द इंपैक्ट। जी हाँ, ये वन ऑफ दैट फैक्टर, लेकिन वो बेसिकली वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है जो फैक्ट है, हाँ फैक्ट ये है कि जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं जो उसकी जगह आ रहे हैं, नेचुरल गैस खासतौर पर, वो उसके मुकाबले में बहुत बेहतर है, कॉस्ट इफेक्टिव है। फिर दूसरे फ्यूल्स भी उसकी जगह ले रहे हैं, रिन्यूएबल्स हैं, नॉन फॉसिल्स हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होता जा रहा है। तो जब ये ख़त्म होगा तो जो रिफाइनरीज़ हैं हमारी, वो हाइड्रोस्कीमिंग रिफाइनरीज़ हैं जो तकरीबन 30 से लेकर 40% तक अपनी जो उनकी प्रोडक्ट स्लेट है उसमें वो फर्नेस ऑयल ही बनाती हैं। तो ये फर्नेस ऑयल जो वो बनाएंगी तो उसकी अब मुल्क में खपत तो रहेगी नहीं, उनको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट मार्केट भी यूनिवर्सली यानी ग्लोबली वो डिक्लाइन हो रही है फर्नेस ऑयल की। दुनिया में सबसे कम मकदार में फर्नेस ऑयल इस्तेमाल होता है पावर जनरेशन के लिए। जो दूसरी जगह जहाँ फर्नेस ऑयल इस्तेमाल होता है वो बंकर है, जिसको हम जो शिप्स में या सी फ्रेटिंग के लिए यूज़ होता है, वहाँ पे उस पर ये पाबंदी लग रही है कि वो उसमें 2020 में एक लॉ आ रहा है जो इंटरनेशनल मेरीन ऑर्गेनाइजेशन का, मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन का, जो उसमें सल्फ़र की लिमिट ला रहा है, जिसकी वजह से फर्नेस ऑयल की खपत उस सेक्टर में भी बहुत कम हो जाएगी। तो नतीजतन इसका रिजल्ट क्या होगा? Exactly. जी, इसका रिजल्ट ये होगा कि जो पाकिस्तानी ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको अपने आप को फौरन से पेशतर अपग्रेड करना होगा, और अपग्रेड करने के लिए उनको अपने यहाँ ऐसा हार्डवेयर ऐड करना पड़ेगा जो इस फर्नेस ऑयल को क्रैक करे, क्योंकि ये हैवीएस्ट प्रोडक्ट होता है एक ऑयल रिफाइनरी का, तो उसको वो क्रैक करे। विस्कोसिटी वाइज आप बोल रहे हैं? जी ये हैवीएस्ट? जी, एक तरह से एग्जैक्टली विस्कोसिटी वाइज ही सबसे, या उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे हाई होता है, तो उसको क्रैक करें, और उसको क्रैक करके उससे डीजल बनाए और पेट्रोल बनाए, और तो आपकी कंपनी स्पेसिफिकली क्या इस पे काम कर रही है? तमाम ऑयल टेक्नोलॉजी ला रहे हैं आप? जी, तमाम ऑयल रिफाइनरीज इस पे प्लानिंग फेज में है, और कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट की इसमें काफ़ी हद तक मदद की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पाकिस्तान की 5 ऑयल रिफाइनरीज को बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और एक अंदाजे के मुताबिक
वो इन्वेस्टमेंट तकरीबन $4 बिलियन के करीब होगी। तो उस $4 बिलियन को लगाने के लिए इन रिफाइनरीज को काफ़ी फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी और उस पीरियड में व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कोई सब्सिडाइज होने का इंतजार कर रहे हैं या कोई आप कोई अलाय होने का वेट कर रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्या इशू? नहीं, इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है कि वो हमें कुछ इस तरह की कुछ इंसेंटिवाइज करें ताकि हम ये इन्वेस्टमेंट कर सकें और हमें फाइनेंसिंग लेने में भी आसानी हो, क्योंकि जब हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो ये पीरियड कम अज़ कम 3 से लेके 6 साल का ये पीरियड होगा जिसमें जाकर ये अपग्रेडेशन कंप्लीट होगी और ये $4 बिलियन इन्वेस्ट होंगे। मगर उस दौरान उन रिफाइनरियों को चलना भी है, तो उनको चलाए रखने के लिए कम अज़ कम इतनी इंसेंटिव मदद की ज़रूरत है कि वो इम्पोर्ट से और ये फर्नेस ऑयल की सूरत हाल से इस क्राइसिस से अपने आप का मुकाबला कर सकें और फ्लोटिंग तो रहें। तो अभी तो इस वक्त जो पाकिस्तानी रिफाइनरीज़ को सो कॉल्ड प्रोटेक्शन है, आई एम यूजिंग द वर्ड सो कॉल्ड, वो बहुत ही मिनिमल है। इट इज़ इन द शेप ऑफ अ डीम ड्यूटी ऑन डीजल जो सिर्फ 7.5% है और सिर्फ डीजल के ऊपर है। अगर उस 7.5% को आप पूरे क्रूड ऑयल के ऊपर अगर आप स्प्रेड कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो वो पूरे क्रूड ऑयल का कोई 2.25% बनता है जितना डीजल उसके अंदर होता है उसके मुताबिक। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ लीस्ट, किस कदर वो कम मकदार में है कि वो इसको सस्टेन करा सके, ख़ास तौर पर जब आपको फर्नेस ऑयल को एक्सपोर्ट करना पड़ सकता है जो कि ज़ाहिर है उस कीमत पर नहीं होगा जिस कीमत पर आप यहाँ बेच रहे हैं। तो ये वो सूरत हाल हैं जिनको रिफाइनरीज को मुकाबला करना है और इसमें उनको मदद की ज़रूरत है ताकि ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई हुई है ये सस्टेनेबली कंटिन्यू करे और इसमें एडिशन हो। वरना होगा ये कि आप अगर ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो रिफाइनरियाँ नतीजतन अपनी जो यूटिलाइजेशन है उनकी इस वक्त वो यूटिलाइजेशन से बहुत नीचे चली जाएंगी और वो अगर 50 या 40% यूटिलाइजेशन पे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, अगर उस पर वो चली गई तो करस्पॉन्डिंगली जो मुल्क में डीजल बनता है और पेट्रोल बनता है या और दूसरे जेट फ्यूल बनता है जो कि हमारी आर्म फोर्सेस के लिए भी जाता है, हमारी कमर्शियल एविएशन के लिए भी जाता है, वो भी करस्पॉन्डिंगली उतना ही कम हो जाएगा। और जब वो उतना कम हो जाएगा तो ज़ाहिर है डेफिसिट बढ़ जाएगा और वैसे ही इतनी ग्रो कर रही है मार्केट तो ये इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप इकोनॉमी को लॉस होगा और ये नतीजतन आपका फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन होगा और अभी आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के इतने इश्यूज़ हैं तो ये फिर तो आप समझ सकती हैं कि करंट अकाउंट जो है वो आपका कहाँ चला जाएगा। बहुत तमाम चीज़ें आप समझते हैं कुछ इसके लिए जो है, जी हाँ, इसके लिए क्या आपके पास कोई कोई फ्लो चार्ट है या कोई आपके पास इसका एक कोई सोल्यूशन है? इसका जैसे मैंने अर्ज़ की कि इसका सोल्यूशन इस तरह से किसी फार्मूले की शक्ल में तो नहीं है, मगर जनरली यही है जो हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमने बात की है कि आप इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट जो आने वाली है उनको एनकरेज करें, टैक्स ब्रेक्स दें, इन्वेस्टिवाइज करें इतना कि ये रिफाइनरियाँ अगर कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आ रही हैं और कुछ फाइनेंसिंग के थ्रू करेंगी तो उस दौरान ये चलती रहें इतने प्रॉफिटेबली कि ये इतनी वायबली फ्लोट करती रहें। तो उसके लिए हम उनसे अर्ज़ कर रहे हैं कि जो अभी इन्होंने हमें एक छोटी मोटी जो प्रोटेक्शन दे रखी है जिसको हम टैरिफ प्रोटेक्शन 7.5% जो मैंने आपसे कहा डीजल, उसको और बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी इसी तरह की चीज़ों पर गौर करें और उस पर हम तो सर फिर इसके बाद क्या इसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट पर जाएगा, क्योंकि लोकल मार्केट में जाहिर सी बात है जो फ्यूल और डीजल है, पेट्रोल है, ये तमाम चीज़ें जो लेते हैं, तो क्या इसका जो इम्पैक्ट है वो पब्लिक पर जाएगा अगर मैं ऐसे कहूँ तो? जी बिल्कुल जाएगा, उसकी वजह ये होगी तो क्योंकि इंटरनेशनल, आई एम पॉजिंग यू, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हम देख रहे हैं कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहा है, $50 to $60 के अराउंड ब्रेंट भी, क्रूड भी है और WTI भी है। तो अगर इसके बाद ये होता है, ये चूंकि ये एक ब्लेसिंग भी है पाकिस्तान के लिए, उसका आप इम्पैक्ट देख रहे हैं, हमारी पेमेंट के इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो अगर ये होता है फिर यहाँ लोकल मार्केट पे इसका इम्पैक्ट नहीं आता और पेट्रोलियम प्राइस कम नहीं होते तो उसके बाद क्या होगा? नहीं, मैं आप अर्ज़ करूँ ना कि एक ऑयल रिफाइनरी क्रूड ऑयल सस्ता ला के उसको प्रोसेस करके महंगे प्रोडक्ट बना लेती है। अगर आप क्रूड ऑयल की जगह अगर आप फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे तो वो महंगे होंगे, नतीजतन आपका ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज बाहर चला जाएगा।
तो आपकी ये कैपेसिटी जो मौजूद है मुल्क में इसको प्रोसेस करने की, वो अनयूटिलाइज रहेगी। तो हमें पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि उस कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज करें। सबसे पहले उसको फुली यूटिलाइज करने के लिए जो इश्यूज़ हैं उनको एक एक करके आप सॉल्व करें। सबसे पहला मसला तो ये है कि आप अगर उसको फुल थ्रूपुट पे चलाते हैं तो आपका फर्नेस ऑयल बहुत ज़्यादा बनता है। पहले तो मुल्क में खपत हो जाती थी, अब अगर वो नहीं होती और आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो कंपनियों को लॉस होगा, रिफाइनरियों को लॉस होगा। उन्होंने नतीजा तन उसके लिए कोई इंसेंटिव पैकेज ऐसा आना चाहिए कि वो चलती रहें, वरना नतीजा तन वो उतनी ही अपनी थ्रूपुट कम कर देंगे, यूटिलाइजेशन कम कर देंगे जितना कि वो मैनेज कर सकेंगे रिफाइनरीज। जब ऐसा वो करेंगे तो अगर उन्होंने 50% पे किया तो जो 50% वो डीजल और पेट्रोल बना रहे हैं उतना नहीं बनेगा। जब उतना नहीं बनेगा तो वो फिर इम्पोर्ट होगा। तो वो ना सिर्फ ये कि फर्नेस ऑयल ऐसे हो जाएगा, आपकी फीट कम हो जाएगी, यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी और हमें इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे ही असर आएंगी। अच्छा, लेट्स कम टू द स्टॉक मार्केट। ईएनपी सेक्टर को, खासकर ऑयल एंड मार्केटिंग सेक्टर को, रिफाइनरीज को शेयर प्राइस के हवाले से आप कैसे देख रहे हैं? शेयर प्राइसेस जो इनकी हैं वो जाहिर है कि उनकी अपनी जो पेड अप कैपिटल्स हैं उनके साथ और जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स उन्होंने फ्लोट कर रखे हैं उसके मुताबिक ही हैं। और उनकी जो मूवमेंट, ईएनपी सेक्टर वैसे भी हमेशा लाइमलाइट में रहता है। देखिए, इनकी जो मूवमेंट आती है वो उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है और परफॉर्मेंस जो है वो अभी आप रिसेंटली अगर आप देखें तो उसका बहुत गहरा ताल्लुक इन चीज़ों से है कि मुल्क में फ्यूल मिक्स क्या है और आगे क्या होने वाला है। अब अगर रिफाइनरियां इस मुल्क में फर्नेस ऑयल नहीं बेच पाएंगी या उनका नहीं बिकेगा तो नतीजतन अगर उनकी वायबिलिटी पे असर आएगा तो उनकी परफॉर्मेंस भी। तो बहुत लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म। जी, असर आगे अभी आ चुका है, इन्हीं क्वार्टर्स में आया है, इन्हीं रिफाइनरियों का आया है, सबका आया है। तो ये असर आना शुरू हो गया है, बल्कि पिछले साल से ही आना शुरू हो गया है। ये असर तो पिछले 1.5 साल से चल रहा है, अब उस पर बहुत ज़्यादा शिद्दत आ रही है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो पहले कन्वर्जन हो रही थी अब वो तकरीबन होती जा रही है। RLNG जो आपके मुल्क में इंपोर्ट हो रही है वो अच्छी मकदार में होने लग गई है, फैसिलिटीज़ आ गई, पाइपलाइनें डल गई, तो इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल और सब ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये ख़त्म हो जाएगा फर्नेस ऑयल इस मुल्क से। ठीक है, वसी खान साहब, बायलेटरल रिलेशंस कैसे देख रहे हैं हमारे इकॉनमी के हवाले से, जैसे सऊदी क्राउन प्रिंस आई है, तमाम चीज़ें? जी देखिए, पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत उम्दा बनाया इस पीरियड में, इस नई गवर्नमेंट ने, जो हमारी आइसोलेशन की एक जनरल परसेप्शन बन गई थी उसको तो कम्प्लीटली तोड़ दिया उन्होंने। सिलसिले में उन्होंने बड़े ही फोकस मैनर में और बहुत अच्छी टारगेटेड उन्होंने अप्रोच किए सऊदी अरेबिया और उससे अब सबके सामने है कि उन्होंने क्या, यूएई के साथ हमारी एनर्जी रिलेटेड बहुत ट्रेड है, पर्टिकुलरली ऑयल, वहाँ फिर कतर और ये वो जगह हैं, और फिर वो मलेशिया गए, मलेशिया और चाइना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली हमारी इकॉनमी को बूस्ट करेंगी। उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह लेके चलें और मेरे ख़्याल में ये जो एक वाक़या अभी बीच में हुआ है, जो मुझे लगता है कि शायद पुलवामा अटैक की बात, जी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से तो कतन इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कोई अहमक ही होगा जो ये सोचेगा कि जब हमारे मुल्क में एक स्टेट गेस्ट आ रहा है उस वक्त हम ये ऐसी हरकत करें, तो ये तो इम्पॉसिबल बात थी। और वहाँ इंडिया में भी शायद इसकी रियलाइजेशन है कि ये शायद ये इन्होंने प्लांटेड है, इन्होंने खुद ही इसको इंजीनियर किया है और ये टेम्प्ररी, इसका जैसे अभी तला भाई भी कह रहे थे कि इसको जो है वो आप इसी तरह लीजिए कि ये इलेक्शनियरिंग हो रही है और इलेक्शन का जब ये भूत वहाँ से उतर जाएगा तो ये इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद पता चलेगा कि हकीकत क्या है। जी, और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट बहुत जल्दी इंडिया के साथ ताल्लुकात भी अच्छे कर लेगी। इस तरह के वाक़यात जो वहाँ हो रहे हैं उनको अगर उनको रियलाइजेशन आ जाए कि इसमें किसी सूरत में भी पाकिस्तान का कोई हाथ हो ही नहीं सकता, ये भी सोचना चाहिए कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, हम तो खुद इसके विक्टिम हैं, हम तो कभी भी नहीं करना चाहते ऐसी। सर, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस आप कहाँ देख रहे हैं जाते हुए, आप किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ये हम 50 to 60 dollars की रेंज में देख रहे हैं, आगे आपका क्या एनालिसिस है? ये वो सवाल है कि जिसका अगर किसी को जवाब मिल जाए बिल्कुल तो वो फिर भी, लेकिन हमारा तो काम है ना कलेक्ट करना, एनालिसिस। देखिए, इसका ये है कि
जनरली ऑयल का ताल्लुक और ऑयल प्राइसिंग का ताल्लुक बहुत हद तक इकोनॉमीज की ग्रोथ से होता है और वहाँ से फिर डिमांड जनरेट होती है और उन डिमांड को सामने रखते हुए फिर ये देखा जाता है कि जो इन्वेंट्रीज़ हैं और जो प्रोडक्शन हो रही है वो उससे कितनी मैचिंग है। तो अभी तो हो ये रहा है कि ग्रोथ आ रही है, डिमांड में ग्रोथ आ रही है और उसके साथ साथ प्रोडक्शन भी ग्रो कर रही है। ख़ास तौर पे आज अगर ये शेल ऑयल प्रोडक्शन या शेल गैस प्रोडक्शन अमेरिका में नहीं होती तो शायद ये क्रूड ऑयल इस वक्त $150 या $200 पर बैरल होता। ओके जी, उसकी वजह से अचानक बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आई है और नतीजा तन इसने इसको स्टेबलाइज किया है। प्लस फिर ये कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये चाहती है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो स्टेबल और इस बिटवीन 50 to $60 के बैंड में वो रहें, इसलिए वो अब उनके पास उनकी प्रोडक्शन इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई, उन्होंने इवन सऊदी अरेबिया को सरपास कर दिया है। exactly. तो इन्वेंट्रीज ग्लोबली बढ़ गई हैं। और तो सर ओपेक को कोई टर्म्स लगाने चाहिए आप समझते हैं? ओपेक एक लिमिट तक कर सकता है ये चीज़ें, क्योंकि ओपेक को ये पता है कि जो ऑयल की पीक आ रही है वो इस वक्त अगर तकरीबन $100 million to 100 million barrels a day की डिमांड है ओवर द वर्ल्ड और वही बैलेंस हो रही, ये 2030 में जाके ये 108 पे पहुंच जाएगी और 108 पे जाके फिर ये प्लेट्यू हो जाएगी और फिर वहाँ इसका ये पीक आ जाएगी और ये डिक्लाइन होगी। तो नतीजा तन इनका फ्यूचर बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ऑयल का, जो मैं बात कर रहा हूँ बल्क सेलर्स जो हैं, और उनको ये स्टेप्स लेने पर दे कांट अफोर्ड कि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैन्यूवर करें, वो अपनी प्रोडक्शन कम करें और प्राइस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करें। उसमें वो करके देख चुके हैं, वो मार खा जाते हैं, फिर मार खा जाएंगे। इस वक्त उनकी थिंकिंग ये है कि अपनी जो उनकी जो कस्टमर मार्केट है, जो उनके क्लाइंटेल है, उसको कम ना होने दें और अपना शेयर मेंटेन करें। उसके लिए बेशक उनको प्राइस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए रखेंगे। मेरा अपना ख्याल ये है, जो गलत भी हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑयल की प्राइस बहुत सेंसिटिव होती है और दूसरे फैक्टर्स से भी, लेकिन बारिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल जियोपॉलिटिकल जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो ये इसी 50-60-65 के बैंड में रहनी चाहिए फॉर अ रीजनेबली गुड फोरसीएबल फ्यूचर। मगर अगर कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल फैक्टर बीच में आ गया तो जाहिर है कि फिर उसका इफेक्ट तो अनप्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच वसी खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस हुआ खासकर पेट्रोलियम सेक्टर के ऊपर, रिफाइनरी के हवाले से और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हवाले से काफ़ी डिटेल हमने बात करने की कोशिश की आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें जिसके जरिए कैन गिव अस फीडबैक, विच इज़ bulls@btv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।